सकते हैं दिल्ली की, जहां बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना इस वक्त उफान पर है। दिल्ली में यमुना का पानी खतरनाक स्तर को पार कर बह रहा है। वहीं हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जो आज शाम तक दिल्ली पहुंचेगा। अभी जैसा कि हथनी कुंड बैराज से जो 3.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद सेकंड वार्निंग भी इशू हुई है, तो उसको पहुंचने में लगभग 36 आवर्स का समय लगता है। तो अभी ये लेवल और रेस करेगा, एग्जैक्ट कितना लेवल रेस करेगा ये तो फोरकास्ट आने पे ही पता चलेगा। इसीलिए हम लोग सारे बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो भी लोग वनरेबल लोकेशंस पर हैं उनको शिफ्ट किया जाए जो हायर लोकेशन पे टेंट्स में, और उनके लिए जो ज़रूरी इंतजाम हैं वो किए जाएँ। यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने यमुना के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना में जल स्तर 204.83 मीटर के ऊपर आते ही खतरा बढ़ जाता है। डीएनडी फ्लाईवे के पास यमुना खादर की झुग्गी बस्ती के लोगों को जगह छोड़ने के लिए कहा गया है, जिस वजह से यहां रहने वाले लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयारियां की है। सभी विभाग के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ संबंधी जानकारी देने के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा अलग से नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। दिल्ली में इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बाढ़ का खतरा लगातार बरकरार है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता ने इस पूरे हालात का जायजा लिया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त यमुना का जो जलस्तर है वो 205.46 मीटर पे बना हुआ है, और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का ऐसा अनुमान है कि आज शाम तक 205.70 तक ये यमुना का स्तर है वो पहुंच सकता है। 204.83 पर खतरे का स्तर था, जो कि यमुना का पानी उसको पार कर चुका है, और कल शाम तक 206.7 के आसपास ये यमुना का पानी जो है वो पहुंच सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। उनका ये कहना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फ्लड से रिलेटेड, उन सभी को अलर्ट पर रखा गया है। 3 से 4 दिन तक जो तमाम डिपार्टमेंट हैं वो सभी अलर्ट पर रहेंगे, 24 घंटे उनके कंट्रोल रूम काम करेंगे, इस तरह की हिदायतें दी गई हैं। आज शाम के बाद से या कल सुबह से जो पानी का स्तर है यमुना का, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो कॉलोनीज़ हैं जो कि निचले इलाकों में बसी हैं, या जो गांव हैं जो निचले इलाकों में, वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है, और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।